दोस्तों रियलमी लॉन्च कर दिया है चाइना में रियलमी GT Neo 3 फोन को। ये फोन बहुत ही जल्द इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। अप्रैल का मंथ में ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रियलमी GT Neo 2 और रियलमी GT Neo 3 फोन के बारे में। ये दोनों फोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपेरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है और क्या अंतर है दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन में, क्या इंप्रूवमेंट किया गया है रियलमी GT Neo 3 फोन में। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमीरुद्दीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन में। पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। रियलमी GT Neo 2 फोन में डिस्प्ले साइज दिया गया 6.62 इंच का फुल स्टेप प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें नॉच देखने नहीं मिलता, छोटा सा 5 वोल्ट दिया गया। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया गया। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 92.60% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया। HDR10+ सपोर्ट देखने को मिल जाता है और 120 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। यहाँ पे बात करें तो रियलमी GT Neo 3 फोन, इस पे डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें भी नॉच देखने को नहीं मिलता है, छोटा सा 5 वोल्ट दिया गया। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया गया। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 94.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। इसमें भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। HDR10+ सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ में 120 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। डिस्प्ले में यहाँ पे ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। रियलमी GT Neo 3 फोन में डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बड़ा दिया गया और इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अच्छा देखने को मिल जाता है। 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है। दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो रियलमी GT Neo 2 फोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया। जो प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का है, फोन पर नेट अपर्चर का साथ में दिया गया। जो सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया। जो थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो GT Neo 3 फोन, इसमें भी ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया। जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का है, 1.9 अपर्चर का साथ में दिया गया और ये सोनी का सेंसर यूज किया गया। सोनी IMX766 सेंसर दिया गया, ये काफी बढ़िया सेंसर है। जो सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का दिया गया अल्ट्रा वाइड एंगल। जो थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। कैमरा में यहाँ पे ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। कैमरा थोड़ा सा बढ़िया बेटर देखने को मिल जाएगा रियलमी GT Neo 3 फोन में और इसमें OIS भी दिया गया है। दोनों फोन का सेल्फी कैमरा का बात करें तो दोनों फोन में सेल्फी कैमरा सही में है। 16 मेगापिक्सल का F2.5 अपर्चर का साथ में 5 वोल्ट सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो GT Neo 2 फोन में क्वेलकम का प्रोसेसर दिया गया है। क्वेलकम स्नैपड्रैगन 870 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है। इसका क्लॉक स्पीड है 3.2 GHz क्लॉक स्पीड पर चलता है। जीपीयू का बात करें तो एड्रोनो 650 जीपीयू दिया गया। यहाँ पे बात करें तो GT Neo 3 फोन, इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया गया है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया। इसका क्लॉक स्पीड है 2.85 GHz क्लॉक स्पीड पर चलता है। जीपीयू का बात करें तो माली G610 जीपीयू दिया गया। ये जीपीयू काफी अच्छा बढ़िया जीपीयू देखने को मिल जाता है। गेमिंग के लिए काफी अच्छा बढ़िया रहेगा यहाँ पर GT Neo 3 फोन। और ये दोनों प्रोसेसर का प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का बात करें तो स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, ये 7 नैनोमीटर पर आधारित है, 7 नैनोमीटर पर चलता है। यहाँ पे बात करें तो डायमेंसिटी 8100 प्रोसेसर, ये 5 नैनोमीटर पर आधारित है, 5 नैनोमीटर पर चलता है। तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लाइटली देखने को मिल जाएगा रियलमी GT Neo 3 फोन में। दोनों फोन का OS यूजर इंटरफेस का बात करें तो GT 2 फोन में, इसमें एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है और साथ में रियलमी UI 2.0 दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो रियलमी GT Neo 3 फोन, इसमें एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है और साथ में रियलमी UI 3.0 दिया गया। दोनों फोन का वारंट का बात करें तो रियलमी GT Neo 2 फोन, ये फोन 3 वारंट पे आता है। जो बेस्ट वारंटी 8 GB RAM 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। जो हायर वारंट मिड वारंटी है 8 GB RAM 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। और एक वारंट आता है 12 GB RAM 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। यहाँ पे बात करें तो रियलमी नियो 3 फोन, इसमें 3 वारंट देखने को मिल जाता है। जो बेस्ट वारंटी 6 GB RAM 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। जो मिड वारंटी है 8 GB RAM 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। जो हायर वारंटी 8 GB RAM 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है।
दोनों फोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते, अलग से मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं दिया। दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो GT Neo 2 फोन में इसमें 5000 mAh का बैटरी दिया गया। फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 65 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो GT Neo 3 फोन इसमें जो इसमें दो वारंट आता है, जो पहले का वारंट है 5000 mAh बैटरी दिया गया है और साथ में 80 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसमें और एक वारंट है जो 4500 mAh का बैटरी दिया गया और इसके साथ में 150 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। ये दो वारंट पर आता है ये फोन। दोनों फोन में यूएसबी टाइप सी 2.0 देखने को मिल जाता है। दोनों फोन का ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो 5.2 ब्लूटूथ वर्जन दिया गया है। दोनों फोन में 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है, टाइप सी जैक दिया गया है। दोनों फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक दिया गया है। दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी डिजाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया डिजाइन दिया गया है। दोनों फोन में डुअल 5G सिम सपोर्ट देखने को मिल जाता है, दो 5G सिम एक ही साथ में यूज कर सकते हैं। दोनों फोन का प्राइस का बात करें तो रियलमी GT इसका जो बेस्ट वारंट है 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। इसका प्राइस है 31,999 रुपीज पर, अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर। और इसका 56 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में जो वारंट आता है, ये वारंट अभी अवेलेबल नहीं है। इसका हायर वारंट अवेलेबल है 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में जो वारंट आता है। इसका प्राइस है 35,999 रुपीज पर आता है। ये फोन अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर और अमेजन पर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें तो रियलमी GT Neo 3 फोन, दोस्तों ये फोन इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, तो इंडियन प्राइस कंफर्म नहीं है। किस प्राइस पर ये फोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, चाइना में जो प्राइस लॉन्च हुआ है उसी प्राइस को मैं कन्वर्ट करके इंडियन प्राइस में बता रहा हूँ। हो सकता है इस प्राइस पर आ जाए या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो मुझे जाते लगता है 1-2 हज़ार रुपये ज्यादा ही होगा इंडिया में। इसका जो बेस्ट वारंट चाइना में लॉन्च हुआ है 6 GB रैम 120 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, इसका प्राइस है 23,990 रुपीज़ पर लॉन्च हुआ है चाइना में। ये मैं चाइना का प्राइस कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। जो मिड वारंट है 8 GB रैम 120 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में लॉन्च हुआ है, इसका प्राइस है 27,500 रुपीज़ पर लॉन्च हुआ है चाइना में। और इसका जो हायर वारंट है 8 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में लॉन्च हुआ है, इसका प्राइस है 31,000 रुपीज़ पर लॉन्च हुआ है चाइना में। तो ये फोन इंडिया में आएगा 30,999 रुपीज़ पर। और जो बेस्ट वारंट है मुझे जहाँ तक लगता है इसका प्राइस होने वाला है 25,999 रुपीज़ पर आएगा। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स था रियलमी GT Neo 2 और रियलमी GT Neo 3 5G फोन का। दोनों फोन में 5G सपोर्ट देखने को मिल जाता है, दोनों फोन काफी अच्छा काफी बढ़िया है। दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन डिफरेंस का बात करें तो इसमें काफी ज्यादा बढ़िया इंप्रूवमेंट किया गया है। रियलमी GT Neo 3 फोन में इसमें डिस्प्ले साइज बड़ा देखने को मिल जाता है, इसमें आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी अच्छा बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इसमें कैमरा काफी बढ़िया दिया गया है, रियर कैमरा। इसमें परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर देखने को मिल जाएगा। इसमें एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है और इसमें 5000 mAh का बैटरी भी दिया गया और साथ में 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया। और एक वारंट आता है 150 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें आपको काफी कुछ बढ़िया देखने को मिल जाता है, इसका डिजाइन भी काफी अच्छा बढ़िया दिया गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे परचेस करने वाले हैं रियलमी GT Neo 2 फोन, तो आप लोग वेट कर सकते हैं यहाँ पर रियलमी GT Neo 3 फोन के लिए। ये फोन काफी बढ़िया होने वाला है और काफी एग्रेसिव प्राइस पर यह फोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। जिस प्राइस पर चाइना में लॉन्च किया गया है, अगर ये फोन इसी प्राइस पर इंडिया में लॉन्च किया जाता है तो ये फोन काफी बढ़िया होने वाला है, काफी दमदार फोन होने वाला है। तो काफी बढ़िया फोन होगा यहाँ पर GT नियो 3 फोन। अगर आप लोग रियलमी का फोन लेने वाले हैं तो आप लोग वेट कर सकते हैं यहाँ पे रियलमी GT नियो 3 फोन के लिए। आपको कैसे लगा ये फोन, क्या आप लोग वेट कर रहे हैं रियलमी GT नियो 3 फोन के लिए, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस दोस्तों वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए और हो सके तो अपना ही टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड पर जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपडेट डालूंगा आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।